आ जाओ भाई। आज चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। क्या नाम है चैप्टर का? नाम ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। क्या खूनी रिश्ता? खून का रिश्ता, खून का रिश्ता या इसको और हिंदी में क्या बोल सकते हैं भाई? रक्त संबंध। क्या बोल सकते हैं? रक्त संबंध। ठीक। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे ना, जो वो है, एक पहले हम इसमें एक टेबल पढ़ेंगे। ठीक। उस टेबल में क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ भाई। अभी यहाँ नीचे नहीं करेंगे, इधर तो लिख देते हैं हम पुरुष या मेल, इधर लिख देते हैं महिला या फीमेल। ठीक। इधर लिख देते हैं हम यहाँ जनरेशन। देखो इसको बोलते हैं जनरेशन चार्ट। ठीक। ये जो जनरेशन चार्ट है ना, ये आपको ये बताएगा कि हम ये जनरेशन चार्ट हम खुद के रेस्पेक्ट में लेंगे, यानी स्वयं के रेस्पेक्ट में। अब हम इसमें चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा जनरेशन। ठीक। या पीढ़ी। ठीक। अब इसमें पहली चीज है, दो पीढ़ी ऊपर। ठीक। दो पीढ़ी ऊपर। दो पीढ़ी ऊपर का मतलब क्या है कि मान लो मैं हूं, मेरे से दो पीढ़ी ऊपर कौन सी होगी? एक पीढ़ी मेरे पापा की और एक पीढ़ी मेरे दादा की। तो यानी दो पीढ़ी ऊपर मेरे दादा की या ग्रैंड फादर और या नाना की। ठीक। इसको बोलेंगे नाना को क्या बोलते हैं? इसको चलो एक मैटरनल ग्रैंडफादर, जो पापा की साइड के होते हैं ना, उसको बोल देते हैं पैटरनल अंकल, सॉरी सॉरी पैटरनल साइड, और जिसको जो मम्मी की साइड के उसको बोलते हैं मैटरनल साइड के। ठीक। तो इसमें यही है, पहली इसमें दादा और नाना आ गए, इसमें दादी और क्या आ गई? नानी। ठीक। वही ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर। इसके बाद अब आता है एक पीढ़ी ऊपर, है ना? तो एक पीढ़ी ऊपर में ताऊ, चाचा, मौसा, मामा, ये सारे एक पीढ़ी ऊपर में आ जाएंगे। ठीक। तो इसमें लिख लो पहले क्या, पिता, चाचा, मामा, मौसा, फूफा। ठीक। और कौन बचा? चाचा, पिता, पापा, मामा, मौसा। ऐसे ही यहाँ पर माता या माँ, चाची, मामी और मौसी। ठीक। इसके बाद मौसी के बाद बुआ। और कौन बचा? और बचा भाई कोई? एक और लिख लो इसमें, इसमें लिख लो ससुर। ठीक। और इसमें लिख लो सास, एक चीज। ठीक। अब ये तो हो गए एक पीढ़ी ऊपर के।
अब जो हमारी स्वयं की पीढ़ी आएगी ना, कौन सी? स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी इसमें क्या आएंगे? हमारे भाई आएगा, मौसेरा भाई आएगा, ठीक, इसमें आएगा चचेरा भाई आएगा, इसमें ममेरा भाई आएगा, इसमें और क्या आ सकता है स्वयं वाले में? ठीक, ऐसे इसमें इसमें बहन आएगी, ममेरी बहन आएगी, ठीक, चचेरी बहन आएगी और मौसेरी बहन आएगी। यानी इन सबको देखो, चचेरी ममेरी मौसेरी, इन सबको कज़न बोलते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा क्या, जो हम जिस पीढ़ी में हम हैं उसमें। ठीक, इसमें लिख लो, एक और चीज़ लिख लो, इसमें साला भी लिख लो, जैसे इसमें है ना साला, साले को बोलते हैं ब्रदर इन ला, ठीक, ऐसे इसमें लिख लो साली, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक, और क्या बचा इसमें, ठीक, इसमें पति भी इसी में आएगा, पति, और इसमें आएगी पत्नी। ठीक, इसके बाद चलो, इसमें भाई देखो, इसमें वो भी आएंगे जीजा वगैरह, है ना। तो अब आती है हमारी एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे में कौन होंगे भाई, कौन हो सकते हैं बताओ? जैसे हमारा पुत्र हो गया, भतीजी, सॉरी भतीजा, ठीक, और कौन हो सकता है, एक दामाद, ये भी इसी में आएगा, पुत्रवधु, ऐसी इसी में आएगी, ये पुत्र हो गया, इसमें इसमें पुत्री, भतीजी और पुत्रवधु इसी में आ गए। ठीक, ऐसे ही देखो और बहुत सारे रिश्ते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक वो बता रहा हूँ। अब ऐसे ही दो पीढ़ी नीचे, दो पीढ़ी नीचे में कौन आएगा? पोता और नाती, पोता और नाती। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पोता है वो तो ग्रैंडसन, और जो ये हो गया मैटरनल ग्रैंडसन, जो मम्मी की साइड से लगेगा वो उसको बोलेंगे नाती, और जो पापा की साइड से लगेगा उसको बोलेंगे पोता, पोती, और जी के हो गई नातिनी, ठीक, इसको बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड डॉटर, इसको बोलेंगे ग्रैंड डॉटर। ठीक, यहाँ तक आप इसको, जो हमारा जनरेशन चार्ट है, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक, भाई ये जो देखो जनरेशन चार्ट है ना, ये हमको बस अभी फ़िलहाल इसीलिए बताया गया है कि किस तरीके से एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे किस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर हैं, यहाँ से अगर इनमें से कोई आएगा तो एक पीढ़ी ऊपर, एक स्टेप ऊपर, अगर इसमें से कोई आएगा तो दो स्टेप ऊपर, इस हिसाब से हम इसको करेंगे। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं एक आसान सा, पहले इसकी स्टेटमेंट देखो आप,
इसके जो कथन से आएंगे वो कैसे आएंगे? और एक और चीज, कथन या स्टेटमेंट क्या होगी भाई? जैसे ए इज द सन ऑफ बी, या ए बी का पुत्र है, ये स्टेटमेंट आई। ठीक, तो इसको आप लिखोगे कैसे भाई? ए पुत्र है बी का, यानी तो बी यहां पर है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर ए पुत्र है बी का, तो बी मान लो यहां पर है, तो पुत्र जो है वो नीचे वाली जनरेशन में है भाई, एक जनरेशन नीचे की है पुत्र की, और पिता की एक जनरेशन ऊपर की है, तो ए हुआ ये। अब अगर मेल है तो प्लस का साइन, अगर फीमेल है तो माइनस का साइन, ये ध्यान रखना। ठीक, अगर जेंडर डिफाइन नहीं है कहीं पर, तो वहां पर कोई सिंबल हम नहीं देंगे। ठीक, नोट डाउन करिए। ठीक भाई, अब आते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की क्या है? बहन है। ए बी की बहन है। अब भाई बहन तो सेम जनरेशन में चलते हैं, तो ए और बी, ए बहन है यानी ए बहन है। इसका जेंडर जो है वो डिफाइन नहीं है, ना तो इसे प्लस रख से और ना इसे माइनस रख सकते। ठीक, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई सिंबल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, एक स्टेटमेंट हमारी ये हो गई। अब मैं एक स्टेटमेंट मैंने नीचे की ले ली है, एक स्टेटमेंट अब मैं ऊपर साइड सेम जनरेशन की भी ले ली है, और एक स्टेटमेंट अब मैं ऊपर की लेता हूं। जैसे ए इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स, ए इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स, ए एक्स का पोता है। ठीक, यानी दो जनरेशन नीचे, दो जनरेशन नीचे, तो हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ए जो है एक्स का होता है। अगर हम ये बोलते कि x जो है a का दादा है, तो हम ऊपर चलते। यहां पर पोते की बात आती है, तो वो क्या है? ग्रैंडसन नीचे, यानी दोस्त वो नीचे a, ये मान लो x है यहां पर, तो एक जनरेशन यहां पर आई होगी इसके पिताजी की, और एक जनरेशन इसकी आ गई, यानी ये आ गया यहां पर a, यानी ये है प्लस का। ठीक, तो ये जो x है ये जेंडर डिफाइन नहीं है, ना ही इसका, देखो ये इसका दादा हुआ, और ये इसका पिता हुआ, और ये हुआ इसका बेटा, यानी ये यहाँ जो गैप खाली है, एक जनरेशन हमारी यहाँ से बीच में आई इस केस में, नोट डाउन कर लो चलो इसको भी ए। ठीक भाई, तो इस हिसाब से हम दो जनरेशन ऊपर दो जनरेशन नीचे। अब देखो मैं एक और बता देता हूं, यहां लिख देता हूं, एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई, एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई, एक्स वाई का दादा है। x जो है वो y यहाँ पर है, y का एक जनरेशन ऊपर पिताजी आएंगे y के, और एक जनरेशन ऊपर क्या आएंगे? दादा। यानी
एक्स जो है वाई का दादा है, ये वाई हो गया और ये प्लस हो गया, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, ना ही इसका पता हमें, ना ही इसका पता। तो हमें अभी तक हमने जो जनरेशन देखी वो ऊपर और नीचे की, हमने चार केस देख लिए हैं, यानी दो जनरेशन ऊपर थे और दो जनरेशन नीचे और एक सेम जिस जनरेशन में हम हैं उसका, तीनों केस हमने स्टेटमेंट देख लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अब कि क्वेश्चन किस तरीके से है। देखो, खून का रिश्ता पढ़ रहे हो भैया तुम। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे, लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन है, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई, तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के भाई के पिता के पोते हैं नहीं हो। तो श्याम राम का कौन है? तो श्याम राम का कौन है, ठीक, यानी श्याम जो है वो राम का क्या लगता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अपने रेस्पेक्ट में लेके चलो कि ये मैं हूं। राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम से कहा राम ने कि भाई श्याम तू जो है ना मेरे पिता की पत्नी, यानी मेरी मम्मी के भाई का मतलब मेरे मामा के, मेरे मामा के पिता यानी मेरे नाना के पोते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे मामा के लड़के हो आप, तो मेरे मामा के लड़के यानी राम के मामा का लड़का है श्याम, तो इसको हम ममेरा भाई बोलेंगे भाई। ठीक, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन देखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। देखो, क्वेश्चन को समझो पहले अपने ऊपर डाल के, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा पढ़ो, दोबारा समझ में नहीं आ रहा फिर पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक समझ में नहीं आए। अब एक और मैं पढ़ रहा हूं। राम ने श्याम से कहा, क्वेश्चन है, राम ने फिर श्याम से कहा, क्या कहा? तुम मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा के पिता की पत्नी की बेटी के बेटे हो, तो श्याम राम का कौन है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि श्याम जो है वो राम का क्या लगता है। आओ भाई क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी, यानी राम ने श्याम से कहा भाई श्याम तू जो है तू मेरे पापा के पापा यानी पिताजी के पिताजी यानी दादा की
पत्नी यानी मेरी दादी की बेटी, मेरी दादी की बेटी कौन हुई, मेरे पिताजी की बहन हुई। अब मेरे पिताजी की बहन का बेटा है तू, तो तू मेरा क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, फुपेरा भाई यानी बुआ का लड़का, क्या लगा, बुआ का लड़का, यही तो लगा भाई। राम ने श्याम से कहा, तो राम की जो है, राम की बुआ का लड़का, ये लिख लो ठीक। तो इसको हम बोलेंगे फुफेरा भाई, क्या बोलेंगे इसको, फुफेरा भाई, ठीक भाई। अब हमारे दो क्वेश्चन हुए ठीक, ये तो थे बेसिक क्वेश्चन जिनको हम अपने ऊपर अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं ठीक। अभी तक हमने यहाँ पर जनरेशन का कोई भी चार्ट का यूज़ नहीं किया ठीक, यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। आज की क्लास में हम यहीं पर रोकते हैं ठीक, कल से हम जो है जनरेशन वाला जो चार्ट था हमारा उसको हम पढ़ेंगे ठीक भाई।